धनिया हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने वाला होता है। धनिये के पत्तों के साथ साथ धनिये के बीज का प्रयोग भी खाने में किया जाता है। धनिये की चटनी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि धनिये का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जा सकता है? धनिये के प्रयोग से कई सारे रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम धनिये के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि धनिये के क्या क्या फायदे हैं, धनिया किन किन रोगों में उपयोगी है, धनिये का औषधीय प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और धनिये से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो धनिये के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि धनिये को किन किन नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसका नाम धान्यक होता है, धान्यक के नाम से संस्कृत में जाना जाता है। धनिया एक हिंदी में बहुत ही प्रचलित नाम है, इंग्लिश में इसे कोरिएंडर कहते हैं और इसका लैटिन नेम कोरिएंड्रम सैटिवम है। अब मैं आपको इसके गुण बता देता हूँ। तो यह लघु है और स्निग्ध है, यानी पचने में हल्का होता है। शरीर में स्निग्धता लाने वाला, चिकनापन लाने वाला यह होता है। यह मधुर, कटु, तिक्त और कषाय रस युक्त होता है, यानी इसका जो स्वाद होता है वह मीठा होता है, चरपरा होता है, कड़वा और कसैला भी यह होता है। धनिया जो है वह उष्णवीर बताया गया है, परंतु इसकी सबसे खास बात यह होती है जब यह शरीर में ऊपरी रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी बाहर लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह गर्म तासीर की तरह कार्य करता है। और जब धनिये का प्रयोग हम शरीर के अंदर करते हैं यानी खाते हैं, तो यह शीत वीर्य की तरह कार्य करता है। यह जो है शरीर में अंदर जाने पर मूत्र के द्वारा अपनी उष्णता को निकाल देता है और शीत वीर्य की तरह यह कार्य करता है। इसे हम अगर साधारण भाषा में कहें तो न गर्म मान सकते हैं, न इसे हम ठंडा मान सकते हैं। यह त्रिदोष शामक होता है, यानी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। धनिये का जो बाह्य प्रयोग होता है वह शोथहर होता है और शूलहर होता है, यानी शरीर में सूजन को और दर्द को कम करने वाला होता है। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता हो, उन लोगों के लिए धनिये के पत्ते की चटनी बनाकर, धनिये के पत्ते को पीसकर और उसका लेप सिर में करने से सिर के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। जिन लोगों के मुँह में छाले ज़्यादा होते हों, उन लोगों को हरे धनिये के पत्ते को लेना है, उसका रस निकाल लेना है और उस रस का गंडूश के रूप में प्रयोग करना है। अगर आप गंडूश की विधि नहीं जानते हैं तो यह मैं अभी आई बटन पर इसका लिंक लगा देता हूं और उस वीडियो को देखकर आप गंडूश कर सकते हैं। और इस विधि से आप अगर गंडूश करते हैं तो आपको मुंह के छालों में विशेष रूप से आराम मिलेगा। अगर आपके गले में भी कोई दिक्कत रहती है, गले में दर्द रहता है या गले में सूजन रहती है, तो इन सभी में आपको धनिये के पत्ते के रस से गंडूश करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा धनिया जो है वह आपके मस्तिष्क के लिए ताकत लाने वाला है, मस्तिष्क को बल प्रदान करने वाला है। आधुनिक रिसर्चेज में पता लगा है कि इसमें एंटी कन्वल्जेंट गतिविधि पाई जाती हैं। इसी कारण से जिन लोगों को भूलने की शिकायत हो, जिन लोगों को चक्कर आने की शिकायत हो, जिन लोगों को भ्रम रहता हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है, विशेष रूप से फायदेमंद है। इसके अलावा धनिये का एक मुख्य गुण बताया गया है तृष्णा निग्रहण, यानी जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती हो, उन लोगों के लिए धनिया विशेष रूप से उपयोगी है। जिन लोगों को बहुत प्यास लगती हो, उन लोगों को धनिये के बीज का पानी विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी मैं विधि भी बता देता हूँ कि आपको एक चम्मच लगभग 5 ग्राम धनिये के बीज लेने हैं, उन्हें कूट लेना है, 500 ml पानी में उन्हें डाल लेना है और अच्छी प्रकार से 8 से 10 घंटे भिगोकर उस पानी को अच्छी प्रकार से मसल मसल कर छानना है और उस पानी का प्रयोग पूरे दिन में धीरे 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 घूंट घूंट करके करना है। इस प्रकार आप पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको जो ज़्यादा प्यास लग रही है उसमें आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा यह रोचन है और दीपन है, यानी आपकी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। जिन लोगों को अग्निमांद्य की शिकायत रहती हो, खाया पिया पचता नहीं हो, उन लोगों के लिए धनिये के बीज विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा यह ग्राही का कार्य करता है, यानी आपके मल को बांधने वाला होता है। जिन लोगों को पतला मल आता हो, बार बार मल जाने की शिकायत रहती हो, जो लोग डिसेंट्री से पीड़ित हों, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों को खट्टी डकार आने की शिकायत रहती हो या वॉमिटिंग की शिकायत रहती हो, नौजिया की शिकायत रहती हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है। जिन लोगों को पेट में दर्द रहता हो, उन लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा यह क्रमिघ्न बताया गया है, यानी पेट के कीड़ों को मारने वाला होता है। पेट के कीड़ों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त यह कफ दोष का शमन करने वाला है, इसी कारण से खांसी में, सांस फूलने की शिकायत में भी यह उपयोगी रहता है। इसके अलावा यह मूत्र जनन का कार्य करता है। जिन लोगों को मूत्र कठिनाई के साथ आता हो, या विशेष रूप से जिन लोगों को मूत्र जलन के साथ उतरता हो, मूत्र करते समय विशेष रूप से जलन रहती हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है। जिन लोगों को पित्तज प्रमेह की शिकायत रहती हो, यानी जिन लोगों को जलन के साथ मूत्र उतरता हो और पीला ज़्यादा मूत्र आता हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को बुखार की शिकायत हो, फीवर रहता हो, उन लोगों के लिए भी यह उपयोगी है। विशेष रूप से ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है जब बुखार के साथ सिर दर्द हो या पित्तज लक्षण हो, या नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत रहती हो, सिर में दर्द हो रहा हो या प्यास ज़्यादा लग रही हो, ऐसे समय में धनिए का प्रयोग विशेष रूप से ज़्यादा उपयोगी रहता है। इसके अतिरिक्त धनिए का प्रयोग कामोन्माद में किया जाता है, यानी जिनको ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होती हो, जिन लोगों को हर समय कामोत्तेजना रहती हो, उन लोगों के लिए भी धनिया विशेष रूप से फायदेमंद है। यह शुक्र धातु का क्षय करने वाला होता है, इसी कारण से यह आपकी काम वासना को शांत करने वाला होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि धनिए का प्रयोग आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं। धनिए का प्रयोग आप चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, सुबह और शाम कर सकते हैं, और इसका प्रयोग आप पैतृक रोगों में अगर करना चाह रहे हैं, पित्त दोषजन्य रोगों में अगर करना चाहते हैं, तो बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। शक्कर के साथ धनिए का प्रयोग पित्त दोषजन्य रोगों में विशेष रूप से फायदेमंद रहता है। अगर आपका दोष वात दोष जनित है या कफ दोष जनित है, तो आपको इसका प्रयोग जो है वह गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कई लोग इसका हिम के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी आपको धनिया लेना होता है और धनिए को एक गिलास पानी में आपको डालकर और उसको मसल मसल कर छान कर और उस पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। पैतृक रोगों में इस प्रकार से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इनमें से किसी एक प्रकार से आप धनिए का प्रयोग अपने रोग के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि धनिए के प्रयोग से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो धनिया जो है वह शुक्र धातु का क्षय करने वाला होता है। जिन लोगों को शुक्र धातु क्षय की शिकायत हो, जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की शिकायत हो, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो, उन लोगों को धनिए के प्रयोग से बचना चाहिए। धनिए के प्रयोग से शुक्र धातु का क्षय होता है और आपके ये लक्षण बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, धनिए के विषय में आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।